आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है लोकसभा चुनाव समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले 59 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में प्रदेश के मालवा निमाड़ की जिन 8 सीटों इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, मंदसौर, रतलाम, खंडवा और खरगोन में 19 मई को वोट डाले जाएंगे, वहां भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नीमच, खंडवा और उज्जैन के तराना में जनसभाएं करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सीट पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां पर सभी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मांधाता विधानसभा क्षेत्र में किल्लौद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थन में पंधाना विधानसभा क्षेत्र के सिंगोट ग्राम में आम सभा को संबोधित करेंगे। उधर अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और पूरा खंडवा संसदीय चुनाव क्षेत्र इस समय चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए खंडवा से मैं परितोष दीक्षित। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल धार और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। श्री शाह सुबह 11 बजे धार के मनावर में रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे वे रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के अलीराजपुर में सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज उज्जैन में प्रचार करेंगे। प्रदेश में 29 में से 21 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब यहां मतगणना की तैयारी चल रही है। भोपाल में पुरानी जेल भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान युक्त ईवीएम और वीवीपैट को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने इनकी निगरानी के लिए तहसीलदार और सीएसपी को तैनात किया है। उधर शिवपुरी में भी जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाए स्ट्रांग रूम के निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है। कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए विधानसभावार 21-21 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वहीं सतना में स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में मतगणना की जाएगी। यहां मतगणना कक्ष के बाहर लगे बोर्ड पर परिणाम प्रदर्शन के लिए कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं अशोकनगर जिले की 3 विधानसभा अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी की ईवीएम की सुरक्षा 3 स्तर पर की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थानीय शासकीय नेहरू महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पहली लेयर में सशस्त्र बल, दूसरी लेयर में एसएएफ की तैनाती की गई है, वहीं तीसरे स्तर पर जिला पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आज रात 8 बजे से आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सुनिए देवास, उज्जैन, इंदौर और धार लोकसभा सीटों का हाल, यहाँ के अहम मुद्दों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य शासन ने शहडोल कलेक्टर ललित कुमार दाहिमा और छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को हटा दिया है। इनकी जगह शहडोल में शेखर वर्मा और छिंदवाड़ा में भरत यादव को कलेक्टर बनाया गया है। नीमच जिले के ग्राम पंचायत मजीरिया के सचिव को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निलंबित कर दिया गया है। बुरहानपुर के मरीचिका गार्डन को जिला प्रशासन ने निर्वाचन पार्क के रूप में विकसित किया है। यह पार्क मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुना जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान संपन्न होने पर निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय सेवकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।